ए टू बी टू स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम फिजिक्स के एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जो है आपका प्रकाश मिति एवं प्रकाश की प्रकृति यानी कि फोटोमेट्री एंड नेचुरल नेचर ऑफ लाइट दोस्तों बहुत ही छोटा सा चैप्टर है तो इस चैप्टर को कवर करते हुए हम इसके जितने भी न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उसको भी इस वीडियो में कवर कर लेंगे तो वीडियो लंबी होने वाली है इसलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहें और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें हमारे चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के और इसके साथ साथ सभी सब्जेक्ट्स के ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस अवेलेबल मिल जाएंगे तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास दोस्तों जैसा कि चैप्टर का नाम ही है प्रकाश मिति एवं प्रकाश की प्रकृति तो पहला हमारा जो टॉपिक है वह है प्रकाश मिति यानी कि फोटोमेट्री फोटोमेट्री यानी प्रकाश मित्रि क्या है आइए जान लेते हैं भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है दोस्तों तो भौतिक विज्ञान की अनेक शाखाएँ हैं जिनमें से एक शाखा ऐसी है जो कि जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के ऊर्जा का अध्ययन करते हैं उसी को हम प्रकाश मिति कहते हैं ठीक है प्रकाश मिति बहुत ही आसान है आप समझ गए होंगे देखिए इसमें हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो है घन कोड़ घन कोण क्या है यानी कि सॉलिड एंगल तो इसमें पहला पॉइंट आपका है किसी गोली पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण घन कोण कहलाता है जिसे कि हम ओमेगा सीरीज नोट करते हैं और इसका जो मात्रक होता है वो आपका इस्टे रेडियन होता है इसको आप नोट कर लीजिएगा घन कोण का जो मात्रक होता है वो इस्टे रेडियन होता है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है और इसका फार्मूला आप याद कर लीजिएगा क्योंकि अगर आपको घन कोण निकालना होगा तो आप इसी फार्मूले का यूज करेंगे ओमेगा इक्वल टू डेल ए बाई आर स्क्वायर डेल ए जो है ये आपका गोली पृष्ठ जो है उसका क्षेत्रफल है एकांक क्षेत्रफल और आर जो है वो आपके केंद्र के और गोली पृष्ठ के केंद्र से लेकर के जो बीच में दूरी होती है और जिसे आप त्रिज्या भी कर सकते हैं तो आर वो आपकी त्रिज्या है दूसरा पॉइंट आपका है यदि गोली पृष्ठ तिरछा हो तो गोली पृष्ठ के क्षेत्रफल के लंबवत घटक डेल ए एन द्वारा केंद्र पर आंतरित कोड घन कोड कहलाता है सेम अगर आप ये वाला भी पॉइंट लिख सकते हैं एग्जाम में या फिर ये वाला दोनों ही डिफिनेशन आपका सही है अपनी तरह पर तो ये वाला आप लेके चलिएगा क्योंकि ये आसान थोड़ा है और ज़्यादा एग्जाम में यही वाला पूछा जाता है और इस पर प्रश्न बन जाते हैं तीसरा पॉइंट आपका है घन कोण का अधिकतम मान जो होता है वो फोर पाई स्टेडियन होता है क्योंकि गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बना कोण फोर बाई स्टेडेडियन होता है दोस्तों गोले का जो क्षेत्रफल होता है उसे आप जानते हैं ये फोर बाई आर स्क्वायर होता है इसलिए घन कोण जो होता है जिसे हम ज्ञान करते हैं वो गोले का ही ज्ञात करते हैं तो गोले का जो अधिकतम मान होता है घन कोण का वो फोर पाई स्टेडेडियन होता है इसे आप याद कर लीजिएगा और घन कोण का, तो का जो मात्रक होता है वो तो स्टेरेडियन होता ही है ठीक है और पाई का मान तो आप सभी जानते ही होंगे पाई का मान थ्री पॉइंट वन फोर होता है ये आप सभी जानते हैं अच्छे तरीके से जानते हैं या फिर इसे आप बाईस बटा सात भी लिख सकते हैं अगला आपका पॉइंट है विकिरण फ्लक्स यानी कि रेडिएंट फ्लक्स इसका क्या है किसी प्रकाश स्रोत द्वारा एक सेकेंड में उत्सर्जित संपूर्ण विकिरण ऊर्जा को विकिरण फ्लक्स यानी कि रेडियंट फ्लक्स कहते हैं इसका मात्रक जूल पर सेकेंड या फिर वाट भी हो सकता है विकिरण फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो आपका वाट होता है या फिर जूल पर सेकेंड भी आप लिख सकते हैं अगला आपका पॉइंट है ज्योति फ्लक्स यानी कि ल्यूमिनस फ्लक्स नाम जानते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी प्रकाश स्रोत द्वारा एक सेकेंड में उत्सर्जित ध्यान से सुनिएगा किसी प्रकाश स्रोत द्वारा यानी कोई प्रकाश का स्रोत है मान लीजिए वो सूर्य ही है तो एक सेकेंड में उत्सर्जित प्रकाशमित्तीय ऊर्जा को स्रोत का ज्योति फ्लक्स यानी कि एफ नोट से डिनोट करते हैं इसे या फिर प्रकाशमित्तीय शक्ति भी इसे कहते हैं यानी कि फोटोमेट्रिक पावर इसका मात्रक ल्यूमेन होता है दोस्तों मान लीजिए आपका ये सूर्य है और सूर्य से सूर्य से पर सेकेंड एक सेकेंड मान ली मान लीजिए यहाँ पे और पर सेकेंड उस जो ऊर्जा होती है प्रकाश की जो कि हमें पृथ्वी पर प्राप्त होती है हमें मिलती है तो पर सेकेंड जो ऊर्जा होती है ना उसी को हम ज्योति फ्लक्स कहते हैं तो जिसे कि हम एफ से डिनोट करते हैं तो आप समझ गए होंगे प्रकाश सूर्य के प्रकाश द्वारा या फिर किसी भी माध्यम हो मान लीजिए अगर आपका टार्च ही है मान लीजिए वो आपका टार्च ही है तो टार्च के द्वारा भी जो अगर आपकी जो प्रकाश निकल रही है पर सेकेंड चाहे वो कुछ वस्तु पर पड़ रही है तो पर सेकेंड जो ऊर्जा उस पर पड़ रही है वस्तु पर वही आपका ज्योति फ्लक्स होता है इसको आपको समझ लेना है केवल क्योंकि ये आपके डेफिनेशन तो एग्ज़ाम में पूछ नहीं जाते हैं पर बहुत ही आसानी से आप समझ गए होंगे आई थिंक मैंने बहुत अच्छे समझाने का प्रयास किया है इसे तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अगला है आपका ज्योति वक्र यानी कि ल्यूमिनियस्टी कर्व विकिरण फ्लक्स के निश्चित मान के लिए विभिन्न तरंग दैर्ध्यों पर मानव नृत्य के लिए ज्योति फ्लक्स विकिरण फ्लक्स व तरंग दैर्ध्य के बीच खींचा गया वक्र ज्योति वक्र कहलाता है यानी यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि तरंग दैर्ध्य ये आपका हो गया और ये आपका विकिरण फ्लक्स हो गया यानी कि जीत जिसे आप ज्योति फ्लक्स भी कहते हैं तो इनके बीच एक वक्र यहाँ पर खींचा गया है इसी वक्र को हम ज्योति वक्र के नाम से जानते हैं ठीक है और इसमें आप याद कर लीजिए एक पॉइंट कि जो आपका जीविकल फ्लक्स यानी कि ज्योति फ्लक्स और तरंग तरंगदैद के बीच में जो वक्र बना होता है तो उस वक्र के और ज्योति फ्लक्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है जो प्रकाश की जो प्रकृति होती है जो ऊर्जा होती है वो आपका छः सौ पचासी ल्यूमेन पर वाट होता है दोस्तों ये पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है तो नोट कर लीजिएगा इसके बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये जो आपका आंकड़ा है छः न्यूरन पर वाट ठीक है और नेक्स्ट टॉपिक भी देख लेते हैं इसका हम दूसरा पॉइंट है मानव नेत्र पचपन सौ पचास दोस्तों ये आपका एंगेस्ट्राम है ये जो है एंगेस्ट्राम है ये मैं आपको पहले क्लास से ही बताते आ रहा हूँ अर्थात हरे पीले रंग के प्रकाश के लिए सर्वाधिक सुग्राही है इसके संगत ज्योति फ्लक्स पर विकिरण फ्लक्स का मान छः सौ पचासी पर वाट तथा दक्षता सौ होती है दोस्तों छः सौ पचासी तो ये होता ही है पर अगर आपको दक्षता पूछ जाए यानी कि इफिशियंसी जो होती है वो आपकी हंड्रेड परसेंट होती है मानव नेत्र के लिए ठीक है अगला आपका पॉइंट है ज्योति दक्षता यानी कि ल्यूमिनस इफिशियंसी ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका केवल आपका फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है इज्कल टू एफ बाई पी और इसे जानने के लिए हमें डिफिनेशन को पढ़ना पड़ेगा किसी प्रकाश स्रोत यानी कि मान लीजिए वो विद्युत लैंप यहाँ पे मान लिया है अगर आप सूर्य को भी ले सकते हैं या फिर टॉर्च को भी ले सकते हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया है द्वारा उत्सर्जित ज्योति फ्लक्स यानी कि एफ जिसे डिनोट करते हैं वह उसके द्वारा ली गई विद्युत शक्ति पी दोस्तों शक्ति यानी पावर को हम पी से डिनोट करते हैं के अनुपात को इस स्रोत की ज्योति दक्षता यानी कि ई e से डिनोट करते हैं इसे हैं, कहते हैं दोस्तों इसकी मात्रक जो होता है वो ल्यूवन पर वाट होता है ठीक है देखिए ई इक्वल टू एफ बाई पी आपको दिया हुआ है देखिए एफ जो है ये आपका फ्लक्स है ज्योति फ्लक्स जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ल्यूमेन से इसी डिनोट करते हैं तो ये आपका ल्यूमेन हो गया और आप सभी अच्छे से जानते हैं भली भांति जानते हैं कि पी यानी कि पावर जो होता है आपका इसका मात्रक वाट होता है तो यहाँ पे आपको वाट लिख देना है तो इसको आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं है आपका ज्योति दक्षता जो है इसका मात्रक ल्यूमेन पर वाट हो जाएगा ठीक है इस प्रकार इसका आप मात्रक भी ज्ञात कर सकते हैं तो आई थिंक आप समझ गए होंगे और नहीं समझे तो वीडियो को एक बार रिवर्स करके आवाज़ से देख लीजिएगा दोस्तों वीडियो को आप एक से दो बार आवाज़ से देखा करिए क्योंकि एक बार वीडियो और आप देख लेते हैं और दोबारा जब वीडियो को देखते हैं तो आपको वीडियो के आगे आने वाले पार्ट से पहले ही आपको उसका अंदाज़ा मिल जाता है आपको याद हो जाता है तो वीडियो को एक से दो बार आवाज़ से देखा करें अगला पॉइंट है आपके किसी प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट सोर्स लेते हैं इसमें क्या है किसी प्रकाश स्रोत द्वारा किसी दिशा में एकांक घन कोण में उत्सर्जित ज्योति फ्लक्स को उस दिशा में उस स्रोत की ज्योति तीव्रता यानी कि आई कहते हैं ज्योति तीव्रता को आई से डिनोट करते हैं आई इसको एफ ह्यूमन बाई ओमेगा डेल ओमेगा स्टेरेडियन ओमेगा आपका क्या है ओमेगा आपका स्टेरेडियन कोड है घन कोड है और या फिर इसका कैंडेला भी यहाँ पे हो सकता है मात्र दूसरा पॉइंट क्या है समदैशिक प्रकाश स्रोत द्वारा उत्सर्जित कुल ज्योति फ्लक्स एफ इसकोल टू फोर बाई आई होता है दोस्तों आई जो है या मैंने आपको पहले ही बता दिया है ये आपका ज्योति फ्लक्स है यहाँ पे आपने ऊपर देखा हुआ था कि आई जो है ये आपका ज्योति तीव्रता या फिर ज्योति फ्लक्स तो अलग होता है ज्योति तीव्रता आई आपका है तो अगर समदैशिक प्रकाश स्रोत द्वारा उत्सर्जित कुल ज्योति फ्लक्स आपको ज्ञात करना है प्रश्न में दिया होगा तो एफ एजकल टू फोर पाई आई आपका हो जाएगा तो इस प्रकार आप इसे ज्ञात कर पाएंगे तीसरा पॉइंट आपका है एक कैंडिला ज्योति तीव्रता का समदैशिक बिंदु स्रोत फोर पाई ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स उत्सर्जित करता है एक कैंडिला कैंडिला क्या होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है एक प्रश्न यहाँ पे बना आपका ऑब्जेक्टिव टाइप कैंडिला क्या होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है का समदैशिक बिंदु स्रोत फोर पाई ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि समदैशिक बिंदु स्रोत होता है वो आपका फोर पाई होता है मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था बड़े अच्छे से तो यहाँ पर आप एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स उत्सर्जित करता है एक कैंडला ज्योति तीव्रता का संदेशिक बिंदु फोर पाई ल्यूमिन पर ज्योति फ्लक्स उत्पन्न करता है या उत्सर्जित करता है अगला है किसी पृष्ठ का प्रदीप्ति घनत्व तो या प्रदीपन की तीव्रता इल्यूमिनेंस ऑफ अ सरफेस किसी पृष्ठ के एकांश क्षेत्रफल पर आप ज्योति फ्लक्स को उस पृष्ठ का प्रदीप्ति घनत्व तो यानी कि ई से डी नोट करते हैं टू एफ ए होता है यानी कि इसका मात्रक भी हो जाएगा आपका ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर ये जो है आपका ये डिल है आपका ये क्षेत्रफल एकांक क्षेत्रफल और आप जानते हैं एक को क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर से डिनोट करते हैं इसका मात्रक होता है और इस प्रकार ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर को ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर को लक्स भी कर सकते हैं इसका मात्रक लक्स भी हो सकता है सी पद्धति में ई का मात्रक फोट या फिर ल्यूमेन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है दोस्तों ये आपका जो होता है ये आपका एस पद्धति में होता है पर आपको सी पद्धति में दे दिया अगर होगा तो आप इसको लिखेंगे आपका मात्रक ल्यूमेन पर सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर फोर्ट फोर्ट भी एक मात्रक इसका हो जाता है एक फोर्ट बराबर क्या होता है ये काफी काफी इंपॉर्टेंट है देखिए एक फोर्ट जो होता है ये आपका कहाँ चला गया एक फोर्ट जो होता है ये आपका टेन पावर फोर ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है जो कि आपका टेन पावर फोर लक्स होता है दोस्तों एक सेकेंड के लिए रुक जाइए और इसको आप स्क्रीन शॉट लीजिए अभी इसक्रीन शॉट लीजिए इसको आप अभी स्क्रीन शॉट लीजिए ले लिया हाँ तो ये आपको नोट कर लेना है और इसको आपको भली बात ही याद कर लेना है क्योंकि मात्रक चेंज करने के लिए आपको प्रश्न बनेंगे एग्जाम में और अगर आपको ये चेंज करना नहीं आएगा आपको इसका मान नहीं याद होगा तो कभी भी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि एग्ज़ाम इस बार जो है आपका ये सी मोड में होने वाला है और उम्मीद है कि आपको ये सभी मान जो है ये जो पिछले पेपर में पीछे पेपर के दिया होता था तो इस बार अनुमान है कि आपको ये देखने को नहीं मिलेगा आपको जितने भी फार्मूले हैं वो याद होने चाहिए चलते हैं आगे अगला आपका है यानी कि ब्राइटनेस ज्योतिर्मता किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल द्वारा परिवर्तित ज्योति फ्लक्स को उस पृष्ठ की ज्योतिर्मता ज्योतिर्मयता कहते हैं या फिर चमक कहते हैं चमक यानी ब्राइटनेस व्युत्क्रम तो वर्ग का नियम क्या है पृष्टि पृष्ठ पर प्रदीप्ति घनत्व तो प्रकाश स्रोत से पृष्ठ की दूरी के वर्ग के व्युत को मान होती है यानी कि ईजक्वल टू वन बाई आर स्क्वायर यानी इसके e व्युत को मान होती है तो वन बाई ई बाईजक्वल टू वन बाई आर स्क्वायर हो जाएगा आर क्या है तो समदशिक प्रकाश स्रोत से पृष्ठ की दूरी है लैम्बर्ट कोजिया नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लैम्बर्ट कोजिया नियम यानी कि लैम्बर्ट को साइन लॉ किसी पृष्ठ पर प्रदीप्ति घनत्व का मान उस पृष्ठ पर प्रकाश के आपतन कोण की कोज्ञा के अनुक्रमानुपाती होता है किसी पृष्ठ पर प्रदीप्ति घनत्व का मान उस पृष्ठ पर प्रकाश के आपतन कोण की कोजिया के अनुक्रमानुपाती होता है इज्क्वल टू आई काटा बाई आर स्क्वायर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है और आपके इस चैप्टर का यही समझ लीजिए सब कुछ है इसी पे आपको एक प्रश्न एग्जाम में निश्चित रूप से देखने को मिलेगा और आगे हम आपको इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराने वाले हैं इसका जो i व r जो है वो आपका नियत अगर रहेगा तो इज्क्वल टू का स्थिर जो है वो एक दूसरे के अनुक्रमानुपाति यानी कि समानुपाती होंगे प्रकाशमिति का सिद्धांत क्या है किसी पृष्ठ पर समान प्रदीप्ति घनत्व वाले के लिए दो प्रकाश स्रोतों की ज्योति तीव्रताओं का अनुपात पृष्ठ के दोनों स्रोतों की दूरियों के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है आई वन वाई आर टू इक्वल टू आई टू बाई आर टू का होल स्क्वायर आगे आपका फोटो प्रिंट के लिए प्रकाशमित्तीय ऊर्जा दोस्तों इसका मैं आपको पी दे दूँगा टेलीग्राम पर और ये जो पॉइंट है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इससे प्रश्न बहुत ही रेयर केस में बनते हैं फोटोमेटिक एनर्जी फार फोटो फिल्म तो इसको हम छोड़ देते हैं पर आप इसके जो ये फार्मूले हैं इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी ठीक है ज़्यादा इससे प्रश्न बनते नहीं हैं तो आप चाहे तो इसको स्कीप कर सकते हैं अगला है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत प्लांक्स क्वांटम थ्योरी इस सिद्धांत के अनुसार किसी प्रकाश स्रोत द्वारा उसे प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में संजयित होता है दोस्तों प्लांक के महोदय के अनुसार वे ऐसा मानते थे कि अगर कोई भी ऊर्जा का स्रोत है प्रकाश का स्रोत है मान लीजिए वो सूर्य ही है तो उससे जो प्रकाश हमें प्राप्त होता है वो छोटे छोटे बंडलों के रूप में प्राप्त होता है जिन्हें क्वांटा या फोटान कहते हैं प्रत्येक फोटान से संबद्ध ऊर्जा की मात्रा जो होती है वो एच भी होती है तो एच बी क्या है आगे बढ़ते हैं प्रांग के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार किसी पृष्ठ से वो या अवशोषित प्रोटान की ऊर्जा एच का पूर्ण गुणक होती है प्रोटान को कड़ के ही रूप में माना जाता है प्रोटान का विराम दरम्यान् शून्य व गति दरम्यान जो होता है वो एम इक्वल टू एच बी स्क्वायर होता है सी आपका क्या है सी आपका प्रकाश की चाल है और इसको आप एच भाई सी के रूप में सकते हैं दोस्तों लैमडा क्या है लैमडा आपका तरंग दर्द है और प्रोटान का संवेग अगर आपको प्रश्न में पूछा होगा कि प्रोटान का संवेग ज्ञात करिए तो संवेग ज्ञात करने के लिए पी एसो टू एच बाई लैमडा होता है ठीक है ये आपके दोनों ही फार्मूले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आगे विद्युत चुमकी स्पेक्ट्रम दोस्तों ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसका आपको मान याद होना चाहिए जैसे कि आपका गामा किरण एक्स किरण किरण अवरक्त किरणें और हटच तरंगे दीर्घ रेडियो तरंगे इन सभी का जो आपका यहाँ पे तरंग दैर्ध्य होता है यानी कि मीटर में तरंग दैर्ध्य दिया हुआ है आप सभी को बाई गामा का कितना होता है एक्सा कितना होता है परा बैगनिया कितना होता है ये सब आपको याद कर लेना है ज़्यादा नहीं है करीब आपके एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ यही आठ दिए हुए हैं और इसके अलावा भी होते हैं पर यही आपके आठ इम्पॉर्टेंट हैं तो आपको ये याद कर लेना है यही आपके इंपॉर्टेंट हैं थोड़े और एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं इसके आगे आपका है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत दोस्तों दोनों ही सिद्धांत जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत क्या है तो इसको आप पढ़ लीजिएगा इसको हम नहीं पढ़ते अभी हैं क्योंकि थ्योरी पूछते नहीं एग्जाम में है। और हमको ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेते हुए चलना है डे ब्रोगुली तैरिक सिद्धांत क्या है ड्यूअल थ्योरी ऑफ डे ब्रोगोली इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रगति दायित्व होती है अर्थात प्रकाश कभी तरंग की तरह तो कभी कण की तरह व्यवहार करता है जब प्रकाश का द्रव्य के साथ ऊर्जा का संवेग का आदान प्रदान होता है तो यह कण की तरह व्यवहार करता है तथा जब यह किसी रुकावट या द्वारक पर व्यतीत होता है जैसे व्यक्तिकरण विवर्तन आदि में तब यह तरंग की तरह व्यवहार करता है द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आदि गतिमान अवस्था में प्रकाश के समान दैत प्रकृति रखते हैं देव भ्रौलिक के अनुसार प्रत्येक गतिमान कण के साथ चाहे उसकी प्रकृति कुछ भी हो फिर से एक बार पढ़ते हैं देव ब्रोगली के अनुसार क्या है कि प्रत्येक गतिमान कण चाहे इलेक्ट्रॉन हो प्रोटॉन हो प्रोटान हो चाहे उसकी प्रकृति कुछ भी हो एक तरंग संबंध होती है इसे ही दे ब्रोगली तरंग दैर्य का सिद्धांत कहते हैं दोस्तों इतना आपको बस पढ़ लेना है यही आपका डे ब्रोगली का नियम है टू एच बाई पी होता है यह, आ, या फिर इसको आप एच बाई एम बी भी, भी लिख सकते हैं दोस्तों एच का जो होता है ये आपका नियतांक है एच जो है ये आपका एक नियतांक है और इसका एक निश्चित मान होता है और उसका मान कितना होता है ये आप सभी को सर्च करके हमें कमेंट बॉक्स में बताना है इसका एक मान होता है जो कि आपको याद होना चाहिए और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इसका मान क्या होता है आपको इसको सर्च करके हमें कमेंट बॉक्स में बताना है एच का एक निश्चित मान होता है और आपको याद होना चाहिए आपको एच का मान एग्जाम में नहीं देगा आपको केवल पी का और लैम्डा का या फिर एम का भी मान जो कि द्रव्यमान है मान इसका दे सकता है पर आपको एच का जो मान होता है जो कि आपका नियतांक है इसका मान आपको याद होना चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप दोस्तों थ्योरी के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर से तो हमारा पहला प्रश्न है फोर कैंडला के एक समदैशिक स्रोत से ज्योति फ्लक्स उत्पन्न होता है दोस्तों ध्यान से प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको प्रश्न का आंसर अपने आप ही दिख जाएगा समदैशिक मैंने आपको बताया था समदैशिक कंडीशन में क्या होता है कि फ्लक्स ज्योतिप्लक्ष जो होता है उसके लिए हम एफ स्क्वल टू फोर पाई आई इस फार्मूले का यूज़ करते हैं मैंने आपको बताया था अगर आपने अच्छे से वीडियो देखा होगा तो आपने देखा होगा कि मैंने आपको ये बताया था फार्मूला एफ स्को टू फोर बाई आई इसी फार्मूले का यूज़ करते हैं तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं एफ़ आपको ज्ञात करना है तो यहाँ पे फोर पाई का मान आपका बाईस बाई सेवन इंटू फोर पाई आई का मान आपका क्या है आई का मान आपका फोर कैंडेला दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको फोर कर देना है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ये आपका आप चार का आपको चार को मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला तो आपका ये सोलह हो जाएगा और अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो आपको यहाँ पे सभी में पाई दिया हुआ है तो हम पाई का मान यहाँ पे नहीं रखते हैं मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा यहाँ पे हम पाई का मान को चेंज नहीं करते हैं हम यहाँ पे पाई सीधे रख देते हैं क्योंकि आपको ऑप्शन में पाई देखने को मिलेगा तो सोलह तो पाई आपका ये आंसर आएगा करेक्ट आंसर तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला है श्वेत प्रकाश स्पेक्ट्रम के जिस भाग के लिए आग की दिशाता सर्वाधिक है यानी विजिबिलिटी जो है वो सबसे अधिक है वो कौन सा है तो हरा और नीला रंग के लिए इसके स्पेक्ट्रम के लिए आग की जो दिशता हो रही है यानी देखने की जो क्षमता होती है हरा और नीले रंग की वो सबसे अधिक होती है आप हरे और नीले रंग को बड़ी ही साइंस देख सकते हैं यही इसमें पूछा हुआ है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट है टंगस्टन तंतु का दो वाट का लैम्प जिसकी दक्षता अठारह ल्यूमिन पर वाट है कि ज्योति तीव्रता क्या होगी दोस्तों इसकी ज्योति तीव्रता ज्ञात करने के लिए आपको मैंने यहाँ आप फार्मूला लिख दिया है जे इज टू ई बाई फोर पाई सेम आपको इसी फार्मूला पे इसको रख देना है आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे ई जो है आपका ये अट्ठारह दशता दिया हुआ है फोर पाई का मान आपको पता ही है और जे आपको ज्ञात ही करना है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आएगा इसको आप सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर अगला क्वेश्चन आपका है चालीस कैंडिला ज्योति तीव्रता वाले लैम्प की सामर्थ्य सोलह पाई वाट है इसकी ज्योति दशता क्या है आपको ज्ञात करना है ज्योति दक्षता ज्योति दक्षता का मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ था ईज्क्वल टू एफ बाई पी आपका ज्योति दक्षता ज्ञात करने का फार्मूला होता है चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों आपको ज्ञात करना है ई e और आपको यहाँ पे दिया क्या है आपको देख लेना है आपको ज्ञात करना है ईज्क्वल टू एफ बाई पी होता है और आपको यहाँ पे एफ का मान आपको ज्ञात करना होगा आपको दिया है नहीं है और पी का मान यहाँ पे आप आपको दिया हुआ है सोलह पाई वाट और चालीस कैंडा यानी कि आपका आई का मान दिया हुआ है तो आपको एफ़ का मानगत करना है तो एफ़ इजक्ल टू फोर पाई आई ये मैंने आपको बताया हुआ था तो आपको इसको यूज करके आपको एफ़ का मान मानगत करना है तो एफ़ इजक्ल टू फोर पाई इन आई का मान आपका चालीस है तो चालीस का आप चार में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये चार सौ को सोलह एक सौ साठ आ जाएगा आपका चार सौ एक सौ साठ पाई तो एफ इजक्ल टू आपका आ गया एक सौ साठ पाई ठीक है ये आपका एफ का मान आ गया अब आपको याद करना है ई ईजक्वल टू एफ बाई पी तो ई ईजक्ल टू एफ का मान आपका एक सौ साठ इन पाई आया है और पी का मान आपका दिया हुआ है सोलह पाई यहाँ पे तो आपको यहाँ पे सोलह पाई रख देना है पाई से पाई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे मैं आपको फिर से कलर चेंज कर दिखाता हूँ पाई से पाई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और सोलह से आप एक सौ साठ को डिवाइड करेंगे तो ये आपका दस आ जाएगा दस और आपका ज्योति दक्षता जो है इसका मात्रक जो होता है आपका ल्यूमिन पर वाट होता है तो आपका दस ल्यूमिन पर वाट ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा दस ल्यूमिन पर वाट ठीक है आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट है एक वड़ी प्रकाश किरण निर्वास से किसी पदार्थ में चलती है तो निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण नहीं बदलता दोस्तों एक वड़ी प्रकाश की रण एक समान प्रकाश की रण है जो कि निर्वास से किसी भी पदार्थ में चलती है तो उसमें उसका जो आवृत्ति होती है वो नहीं बदलती है बल्कि उसकी जो तीव्रता होती है उसकी चाल और तरंग दैर्य जो होती है वो बदल सकती है उसकी आवृत्ति जो है वो सेम होती है नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश की चाल जल में सर्वाधिक होगी जल में बात किया है यहाँ पे तो लाल रंग की जो तरंग दैर्य होती है वो सबसे अधिक होती है तो आपका इसकी जो प्रकाश की चाल भी होगी वो सबसे अधिक होगी लाल रंग की तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो उसकी उसकी आवृत्ति पर क्या पड़ेगा प्रभाव तो जब प्रकाश वायु की वायु से कांच में प्रवेश करता है अभी हमने ऊपर वाले प्रश्न में किया था तो उसके तरंग दैर बदल बदल जाता है आवृत्ति उसकी घटती है और तरंग दैर भी उसकी घटती है पर उसकी जो आवृत्ति होती है वो बढ़ जाती है ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वायु से कांच में प्रवेश कर रहा है पर वहाँ पे आपको उसको अलग माध्यम दिया हुआ था तो वहाँ पे आपको आवृत्ति चूज करना था यहाँ पर भी आपकी आवृत्ति जो है बढ़ जाएगी ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डे बुरगली तिरंग दर के नियम पर आधारित है यहाँ पर आपको फाइव इंटू टेन पावर फोरटीन हर्टज आवृत्ति का प्रकाश वन पॉइंट फाइव अवरतनाक वाले माध्यम से चल रहा है इसकी तरंग दर क्या होगी सी स्कल टू आपको यहाँ पे दिया हुआ है मान सी जो कि प्रकाश का चाल है तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले आपको इसमें ज्ञात करना है यू का मान तो सबसे पहले हम यहाँ पे यू का मान ज्ञात कर लेते हैं यू आपका क्या है तो जब आप लेमडा स्कुलटू यू बाई भी याद करेंगे यानी कि आप तरंग दैर का आपको मान ज्ञात करना है तो आपको भी और यू दोनों का मान इसमें पता होना चाहिए यू आपके प्रकाश की प्रारंभिक चाल है और भी आपकी अंतिम प्रकाश की चाल है तो यू इजक्वल टू आपको मैंने बताया था यूजक्वल टू सी बाई एन होता है यू आपकी आवृत्ति भी हो सकती है सी इजक्ल टू आपका मान जो दिया है वो आपका थ्री इंटू टेन टू द पावर एट होता है ये आप सभी जानते हैं एन इजक्ल टू एन ए आके आपका, आपका रत्नांक है जो कि वन पॉइंट फाइव दिया हुआ है वन पॉइंट फाइव से थ्री को डिवाइड करेंगे तो आपका दो बार में डिवाइड होगा टू इंटू टेन पावर एट आपका माना जाएगा टू इंटू टेन टू द पावर एट आपका ये माना गया चलिए इसको हम डिलीट कर लेते हैं तो आपको याद करना है टू इंटू टेन टू दि पावर एट आपका ये मान आया हुआ है किसका यू का अब आपको, आपको याद करना है तरंगदैर्ध्य तो लमडा इक्वल टू आपका होता है यू बाई भी तो यू का मान आपको टू इंटू टेन टू द पावर एट रख लेना है और भी का मान जो है ये आपका दिया हुआ है प्रश्न में चाल जो है आवृत्ति जो है भी इंटू टेन टू दावर एट फोरटीन तो फाइव इंटू टेन टू यहाँ रख लेना है इसको आपको सॉल्व करना है चलिए तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे टेन पावर फोर्टीन है और टेन पावर एट यहाँ पे है टेन पावर फोर्टीन को ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका टेन पावर द फोर्टीन जो है ये आपका माइनस में हो जाएगा माइनस टेन टू द पावर माइनस फोर्टीन हो जाएगा तो इसको हम माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पर हम लिख लेते हैं टू इन टू टेन टू द पावर यहाँ पे आठ में से चौदह घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस में आएगा और आपका माइनस छः आ जाएगा यहाँ पे आपको समझ में आया इसके बाद आपका नीचे जो है ये आपका फाइव बच जाएगा इस दोस्तों आपका टू इंटू टेन टू पावर माइनस सिक्स बाई फाइव इतना आ जाने के बाद आप सभी जानते होंगे कि एक इन्स्ट्राम जो होता है वो आपका टेन टू दावर माइनस टेन मीटर के बराबर होता है एक इन्स्ट्राम आपका दस घाती माइनस दस मीटर के बराबर होता है क्योंकि आंसर जो है ऑप्शन जो है वो सभी इन्स्ट्राम में है इसलिए हम आंसर को भी इन्स्ट्राम में चेंज करेंगे क्योंकि मीटर में दिया हुआ है तो इसके लिए हम आपको क्या करेंगे कि आपको क्या करना है किसी भी प्रकार आपको जो ये ऊपर वाला भाग है यानी टेन टू दी माइनस टेन है इसको आपको टेन टू दि माइनस टेन करना होगा टेन टू दि माइनस सिक्स को टेन करना होगा इसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना है इसको आपको दस बनाना है तो आपको ऊपर नीचे ए, 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 एक हज़ार यानी दस हज़ार से मल्टीप्लाई करना है चलिए हम कर लेते हैं एक दो तीन चार से ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया और एक दो तीन चार से ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया तो इसके बाद क्या होगा इसके बाद आपको सॉल्व करेंगे आगे इसको तो आपका यहाँ पे हम कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं यहाँ पे आपका टू इन टू टेन यहाँ पर चार जो है ये आपका ऊपर चलाएगा तो दस हो जाएगा और ये आपका चार तो यहाँ पे बचा ही हुआ है और नीचे आपका पाँच बचा हुआ है देखिए टू इन टू टेंथ आपका दस ऊपर चला जाएगा तो दस हो जाएगा इन टू आपका यहाँ पे दस बचा हुआ है एक दो तीन चार का बचा हुआ है और नीचे आपका पाँच बचा हुआ है अभी भी दोस्तों पाँच से आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है पाँच से जो काटेंगे तो पाँच दोना दस और आपका तीन शून्य बचेगा जाते हैं एक दो तीन बच जाएगा ठीक है।, है इसके बाद आपका टेंथ रुपा माइनस टेन आपके बचा हुआ है तो आपको इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो इसको हम चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे दो का दो में मल्टीप्लाई करेंगे दो दो चार और आपका तीन शून्य बचा हुआ है एक दो तीन बचा हुआ है और टेंथ रुपावर माइनस टेन जो है आपका इंस्ट्रा में चेंज करेंगे तो आपका ये चार हजार केवल बचेगा जो कि आपका इंगस्टॉल होगा तो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा आई थिंक और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा तो काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्वनि तथा प्रकाश का प्रभाव कान व न आंख पर क्रमशः कितने समय तक रहता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्वनि तथा प्रकाश का प्रभाव कान व आंख पर यानी ध्वनि आपको कान में सुनाई दी और कितने समय तक वो ध्वनि सुनाती रहेगी या फिर आँख में प्रकाश का किरण कितने समय तक विद्यमान रहता है तो वो क्रमशः वन पॉइंट टेन सेकेंड तथा वन पॉइंट सिक्सटी सेकेंड यानी कि ध्वनि का कान में वन पॉइंट टेन सेकेंड तक प्रभाव रहता है वहीं आँख में प्रकाश का जो प्रभाव रहता है वो वन पॉइंट सिक्सटीन सेकेंड रहता है ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी ये तार्किक प्रश्न भी है अगला है प्रकाश का आधुनिक सिद्धांत कौन सा है तो दोस्तों सबसे लास्ट में आपने पढ़ा था देवरोली दर का सिद्धांत जो कि अब तक प्रकाश का आखिरी सिद्धांत है और सबसे आधुनिक सिद्धांत भी माना जाता है तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हमारा यानी कि का सिद्धांत यही हमारा करेक्ट आंसर होगा अगला है प्रकाश तीव्रता का व्युतक्रम वर्ग नियम लागू होगा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है प्रदित ट्यूब के लिए बी है मोमबत्ती के प्रकाश के लिए सी है सूर्य प्रकाश के मार्ग में रखे एक उत्तर लेंस से निकलने वाले प्रकाश के लिए और टी दिया हुआ है उपरोक्त में से कोई नहीं दोस्तों प्रकाश तीव्रता का ब्युतकम वर्ग का नियम केवल और केवल मोमबत्ती के लिए ही लागू होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा क्योंकि मोमबत्ती की जो आपकी लॉ होती है वो कुछ इस प्रकार से ऊपर की तरफ निकलती है जो कि आपका प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते हुए फैलाते हुए चारों तरफ से आगे चलती है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये था हमारी आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें जिससे आपके साथ उनका भी भला हो सके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट चैप्टर के साथ तब तक के लिए धन्यवाद